पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अमरोहा के मंडी धनौरा में सिख युवक की पगड़ी उछालने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सिख समाज की ओर से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी दिल्ली और श्रोमणि गुरुद्वारा कमेटी अमृतसर से इसकी शिकायत की गई है। साथ ही केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए ट्वीट किया है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई है और आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दो दिन पहले गांव शेरपुर में दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान सिख समाज के युवक ने मारपीट किए जाने और पगड़ी को उछालने का आरोप लगाया गया था। वहीं सिख समाज के लोगों ने थाने पर पहुंचकर मामले की जांच कराकर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। इसकी शिकायत एक समाज के द्वारा गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी दिल्ली और श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी अमृतसर से की गई है। सिख समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के ट्विटर पेज पर भी मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वारदात इन्हें ये ट्रैक्टर से आ रहे थे अपना गन्ने की पेमेंट लेके जी, और कुछ रिपेयर वगैरह करानी थी उसे करवा के धनौरा से आ रहे थे जी। तो इन्हें रास्ते में रोक लिया जी, दो तीन लोगों ने हाथ देके जी जी। तो इन्होंने समझा अभी शायद मुझसे लिफ्ट मांग रहे हैं जी, और उन्होंने बस इसे पकड़ के बस खींचातान करने लगे। दो के बाद चार हो गए, चार के बाद 40 हो गए, और ग्राम प्रधान भी था मणिराम कहते हैं जी। और वो कहते हैं पकड़ो सरदारों को, मारो सरदारों को मारो। बस ये इसे तो समझ ही नहीं आई बेचारे को क्या हो गया क्या नहीं। बड़ी बड़ी मसा में जान बचाई और पुलिस चौकी के बिल्कुल नजदीक की घटना है सर। ये परसों एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कि कुछ मतभेद की वजह से, आपसी मतभेद की वजह से लड़ाई हुई थी छोटी सी, और उसी मतभेद को ख़त्म करने के लिए हमें चौकी में बुलाया गया, और चौकी पहुँचने से पहले ही उन्होंने जो दूसरा पक्षी दल था उन्होंने एक बच्चे को घेर कर उसकी मार कुटाई करी और उसकी पगड़ी को बेइज्जत किया और नाले में डाली, जिसकी कि हमारे पास वीडियो भी है और पूर्ण रूप से हमारे पास सबूत भी। उसी जब पुलिस प्रशासन ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी तो उसी संबंध में हम आज एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है पूर्ण रूप से आपकी सहयोग करा जाएगा और रिपोर्ट आपकी दर्ज कराई जाएगी सर। तो मतलब वो कितनी उम्र थी लड़के को मार दिया? जिस लड़के के साथ मार कुटाई हुई है उस लगभग उसकी उम्र सर 23 या 24 साल होगी। क्या नाम था लड़के का? नाम गुरविंदर सिंह, सन ऑफ दिलबाग सिंह। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।